जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक व्हीकल अंडर 20 लाख। उसी के साथ साथ आपको एक चीज बताने वाला हूँ भाई, ना सिर्फ वैल्यू फॉर मनी, आपको एक चीज बताऊँ तो बहुत ज्यादा मेंटल पीस भी जो है डिपेंड करता है जब आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हो। एक बार अपन ये चीज जरूर बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपको पेट्रोल गाड़ी के अंदर 2 KMPL का माइलेज कम मिल रहा है, लेकिन अपन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 400 किलोमीटर की कंपनी ने रेंज बताई थी लेकिन दे अपन को 250 ही रही है। तो भैया इस चीज से बचने के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हो, फिर कौन सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है, उससे रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे वेरिएंट के बारे में जो भाई साहब बिल्कुल मोस्ट वैल्यू फॉर मनी भी हो जाता है और उसी के साथ साथ जो आपकी ख्वाहिशें रहती है एक गाड़ी के साथ कि आप 20 लाख रुपए पे कर रहे किसी गाड़ी के लिए, तो ये सारी चीजें मिले वो सब भी आपको जो है मिल जाती है। तो आओ फटाफट से बात कर लेते हैं बाहर चल के, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम करने वाले गिव अवे आईफोन का। 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे होंगे आप में से किसी एक लकी विजेता को मिलने वाला है आईफोन, देख इस बात की फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, अपन चलते हैं बाहर। ओके जी, तो ये है अपने पास चाबी, कुछ ऐसी चाबी अपन को बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा और बूट ओपन करने का बटन मिल जाएगा। वेल, इस गाड़ी की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि आप बेस मॉडल लो चाहे आप टॉप मॉडल लो, मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज का कोई लफड़ा ही नहीं मिलता, आपको एकमात्र रेंज इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक। 50.3 kWh की बैटरी पैक मिल जाता है आपको, रेंज की अगर अपन बात करें तो 461 किलोमीटर की रेंज आपको बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक मिल जाती है। वेल, उसी के साथ में गाड़ी को कर लेते हैं एक बार अनलॉक। अनलॉक है गाड़ी तो कुछ भी यहाँ पर जो है अपने ब्लिंक नहीं होंगे इंडिकेटर, लेकिन उसी के साथ में अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो आपकी गाड़ी 9 घंटे के अंदर 7.4 किलोवाट के चार्जर से 0 to 100 चार्ज कर देगा। वेल, उसी के साथ में फ्रंट लुक की यहाँ पर अगर अपन बात करें ना, बहुत ही सुंदर सा ये कलर आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ जो फ्रंट लुक है काफी बढ़िया देखने में लगता है, जैसे यहाँ पर आपके पास DRL देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट इंडिकेटर अगर आपको ब्लिंक करके दिखाऊं तो ऐसे कुछ आपके पास इंडिकेटर भी हो जाते हैं, यहाँ पर आपके पास लाइट हो जाती है, प्रोजेक्टर के अंदर LED आपको मिल जाता है और ऐसे कुछ क्रिस्टल जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो देखने भाई साहब अलग ही जो है एक वैल्यू एड कर देता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है और उसी के साथ में अगर फ्रंट लुक में आए अपन तो ये ग्रिल आपको बंद मिलती है, लेकिन उसके नीचे आपको जो रेडिएटर की ग्रिल मिल जाती है वो नीचे की तरफ आपके पास मिल ही जाती है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपको अटैच देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ एक अच्छी चीज़ है कि आपको सेकंड वेरिएंट से ही सनरूफ देखने को मिलने लग गया। तो जो लोग बेस मॉडल से 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देकर इस गाड़ी के अंदर आएंगे तो उनको ना सिर्फ और सारे फीचर्स मिलेंगे बल्कि उनको यहाँ पर जो है सनरूफ भी एक्स्ट्रा एडिशनल देखने को जो है मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। वेल, आपके पास यहाँ पर सिंगल ब्लेड वाइपर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है, ऐसे कुछ आपके पास इंडिकेटर मिल जाते हैं। वेल, अपन गाड़ी के नीचे चले तो आप सोचोगे सेकंड वेरियंट है, 1 लाख रुपये पे कर दिया अपन ने, लेकिन फिर भी ये वाले आपको सिंपल अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। गाइस, अब बेस मॉडल लो चाहे टॉप मॉडल लो, आपको यही वाले अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले। इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो लगता है वो लगता है इसका व्हील कवर। अब व्हील कवर जो है बूट में रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, पर MG वाले आपको जो है के अंदर व्हील कवर ऑफर करते हैं जिसको आप लगा के बिल्कुल एकदम लुक टॉप मॉडल वाली आपको लगने वाली है, जैसा कि आप किसी और MG ZSEV के अंदर देखोगे बिल्कुल सेम लुक आपको डेफिनेटली इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, तो नीचे देखोगे अगर आप इस गाड़ी के तो कोई भी आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी कि बैटरी पैक वगैरह लटक रहा है नीचे, और इसके कंपटीशन में नेक्सॉन वगैरह की बात करें तो भाई वहाँ पर बैटरी पैक आराम से जो है निकलता हुआ दिख जाएगा आपको, उसी के साथ में ऑरेंज ऑरेंज तार भी आपको जाती हुई दिख जाएगी। अब उस वजह से वो बोलने को तो SUV हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी उसकी कम नज़र आती है जितनी अपनी नॉर्मल नेक्सॉन के अंदर आती है। हालांकि इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, विच इज़ गुड, और कोई बैटरी वगैरह नहीं लटकती तो थोड़ा नीट एंड क्लीन काम लगता है। वेल, उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, क्रोम फिनिश आपको इधर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर से गेट खोल के दिखाऊं तो ये देखो भाई, ऐसे कुछ इंटीरियर्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है, आएंगे इंटीरियर के ऊपर भी, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ों की बात करें तो देखो भैया रूफ रेल्स आपको इधर मिल रही है, बेस मॉडल में रूफ रेल्स नहीं है। तो यार कहीं ना कहीं जो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा ले रही है MG यहाँ पर 19.98 लाख रुपीज़ इस गाड़ी के, कहीं से मुझे ऐसे ज़्यादा नहीं लगे कि यार 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेने के बाद भी चीज़ें नहीं दी, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर MG ने ऑफर कर दी है। वेल, उसी के साथ में शार्क फिन एंटीना अपने पास आ गया, वाइपर और डिफॉगर अपने पास यहाँ पर आ गया, हाई स्टॉप लैंप अपने पास इधर आ गया, एंड अगर अपन बात करें रियर लाइट्स की तो यहाँ पर LED लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है, हालांकि ये जो है काफ़ी बढ़िया सुंदर देखने में रात को लगती है। वेल, उसी के साथ MG ZSEV यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, बूट ओपन करके दिखाऊं तो ये देखो Volkswagen की याद आ जाएगी गाइस आपको, पोलो वगैरह में पहले ऐसा आया करता था। वेल, उसी के साथ में यहाँ पर पार्शियल ट्रे आपको मिल जाती है, और ये देखो गाइस बूट लैंप के साथ साथ आपके पास ऐसे कुछ अलॉय व्हील के ऊपर लगाने के लिए आपको बढ़िया से यहाँ पर सुंदर दिखने वाले डायमंड कट जैसा फील देने वाले आपको यहाँ पर प्लास्टिक के कवर्स देखने को मिल जाते हैं। वेल, उसी के साथ में स्टेपनी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे कुछ स्टेपनी मिल जाती है जो भी आपकी अलॉय व्हील के अंदर है गाइस, तो इस चीज़ के अंदर कोई कॉस्ट कटिंग अपन को देखने को नहीं मिलती MG की तरफ से। बाकी अपने पास यहाँ पर ऐसे चार्जर वगैरह मिल जाते हैं और ऐसे कुछ टूल किट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक ओपन और क्लोज करने का बटन आपको देखने को इस गाड़ी में नहीं मिलेगा, ना ही आपके पास कोई ऐसा सिस्टम मिलता है यहाँ पर जिससे आप पोर्टेबल किसी चीज़ को जो है चार्ज कर सको या फिर पावर दे सको, जो कि अपन ने नेक्सॉन के अंदर देखा है। बाकी जैसे अगर अपन गाड़ी के
अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर से ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें अपन कवर कर चुके हैं जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है, क्योंकि असली मज़ा इस गाड़ी के अंदर आपको आने वाला है, जो फीचर्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। वेल, सबसे पहले तो अपन बात करें तो यहाँ पर सॉफ्ट टच आपको मिल जाएगा, ऐसे को सिल्वर फिनिश मिल जाता है, लॉक ऑन लॉक का फंक्शन बटन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, ORVM कंट्रोल करने का बटन आपको इधर देखने मिल जाता है, और गाड़ियों में अपन इधर देखते हैं पर गाइस इसमें आपको इधर देखने को मिल जाता है। वेल, उसी के साथ में अगर आपको इधर हुड खोलना हो तो ऐसे हुड खोल सकते हो, हुड खोल के भी आपको दिखा दूंगा। वेल, उसी के साथ में यहाँ पर ऐसे कुछ आपके पास फैब्रिक सीट्स मिल जाती है, हाइट एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर मिल जाता है, और आपके पास क्रूज कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है आपको भैया, ये बटन से एक बार चालू कर लो तो भैया बहुत सुंदर दिखने वाला पूरा सिल्वर फिनिश बटन आपको मिल जाएगा, ऐसे कुछ इंटरफेस वाला MG का आपको स्पीड मीटर देखने को मिल जाता है। वेल, उसी के साथ में आपके पास सॉफ्ट टच हो गया, इधर पूरा लेदर देखने में बढ़िया लगता है, इधर आपको स्टिचिंग मिल जाती है और ये पूरा सॉफ्ट टच है गाइस, बहुत प्रीमियम लुक आपको जो है यहाँ पर देखने में लगता है। वेल, स्टीयरिंग व्हील को अगर मैं दिखाऊं, ओनली टिल्ट ही आपको स्टीयरिंग व्हील में देखने को मिलेगा, बाकी उसी के साथ अपन बात करें तो भैया ऐसे कुछ पूरी डिस्प्ले आपको मिल रही है। अब तीन मोड्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने मिलते हैं, मोड अपने यहाँ पर नॉर्मल हो गया जिसमें 301 किलोमीटर की रेंज बता रहा है, जैसे मैंने इकोनॉमी पे करा 316 किलोमीटर की इंस्टेंट ही आपको बता दिया, उसी के साथ में अगर मैं आपको स्पोर्ट पे लेकर चलूँ तो 271 किलोमीटर की रेंज इंस्टेंट ही बता देगा, तो जैसे जैसे आप मोड्स यहाँ पर चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आपकी इंस्टेंट रेंज यहाँ पर चेंज होती जाएगी। अभी गाड़ी स्टार्ट है तो आप देख सकते हो अभी बैटरी बता रहा है 89% और 89% के अंदर 300 किलोमीटर चलेगी, तो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें तो 100 किलोमीटर के अंदर आराम से गाड़ी 400 के आसपास, 400 सवा 400 के आसपास रेंज अपन को ऑफर कर सकते हो। और अभी ये टाइम इतना है राजस्थान के अंदर 50-50 डिग्री टेम्परेचर है, AC फुल ब्लास्ट पे चल रहा है भाई साहब, ना पेट्रोल की गाड़ी एवरेज देगी ना डीजल की गाड़ी, उसके अंदर एक EV से इतनी बढ़िया रेंज निकालना अपने आप में काबिल तारीफ वाली बात है। खैर, उसी के साथ में सनरूफ आप जो देख पा रहे हो भाई साहब, 1,00,000 रुपए एडिशनल देने पे आपको सनरूफ इसके अंदर मिल रहा है, बेस मॉडल से ऊपर आप एक्साइट प्रो वेरिएंट पे आते हैं आपको सनरूफ यहाँ पर 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पर मिल रहा है। वेल, उसी के साथ ही जो आप सेंट्रल पैनल इस गाड़ी का देख रहे हो भाई साहब, मतलब ये जो टचिंग, ये जो रेड इंसर्ट्स की स्टिचिंग है, या फिर आपके पास ये जो पूरा लेदर फिनिश देखने को मिल रहा है, इधर आपके पास जो एलिमेंट मिल रहा है भाई साहब, ये बहुत देखने में प्रीमियम है। बाकी अपने पास वायरलेस चार्जर इसमें नहीं है, लेकिन आपके पास USB पोर्ट है, एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट आपके पास है इधर, और ऐसे कुछ ग्रैब करने के लिए आपके पास हैंडल है, ऐसे कुछ आपके पास ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। वेल, यहाँ पर आपके पास मिरर मिल जाता है, जो मैनुअल डिमिंग आपका मिरर हो गया है। वेल, उसी के साथ में यहाँ पर भाई साहब एक और आपको जो है पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप चाहो डैश कैम वगैरह लगा सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई तार वगैरह इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, जो बहुत ही बढ़िया दिखने में मुझे चीज़ लगी। यहाँ पर आपके पास पैसेंजर एयरबैग ऑफ करना उसके लिए हो गया, बाकी अपने पास ये अपना सनरूफ खोलना हो तो ऐसे आप सनरूफ वगैरह खोल सकते हो, काफ़ी बड़ा सनरूफ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है भाई। अब तो नेक्सॉन वगैरह में भी सनरूफ खैर आने वाला है नेक्स्ट अपडेट के अंदर, बाकी ऐसे कुछ लाइट्स अपन को यहाँ पर मिल जाती है और देखने में भाई काफ़ी बढ़िया लगती है, डेडिकेटेड लाइट्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके पास जो है ऐसे कुछ मिरर मिल जाता है, लाइट नहीं मिलती है, इधर भी आपको जो है मिरर मिल जाएगा पर लाइट आपको नहीं मिलने वाली है। वेल, उसी के साथ में ये जो आप पूरा डैशबोर्ड का लुक देख रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही लाइट ड्राइव गाड़ी जो है यहाँ पर फील होती है, आपके कर्स एनर्जी जो है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, बैटरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंस्टेंटली देखने को मिल जाएगी कि भाई 89% बैटरी है, कितनी गाड़ी चलेगी यहाँ पर, लॉक ऑन लॉक वगैरह सब चीज़ आप कर सकते हो। बाकी उसी के साथ में यहाँ पर AC के पैनल्स कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे लो है अभी पूरा यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, AC को भी मैनुअल आपको नॉब दे रखा है। वेल, उसी के साथ में आप चाहो तो उसको इलेक्ट्रिकली यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, आपको हवा किधर चाहिए, कैसा क्या सीन पूरा चाहिए, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, और ट्रैफिक वगैरह में एक तरीके से ऑटो होल्ड का फंक्शन रहता है वो आपको इधर देखने को जो है मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर अगर अपन बात करें तो बॉटल होल्डर मिल रहा है, लेकिन ये कवरिंग आपको इसके साथ देखने मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम देखने में लगती है। इधर आपके पास एक जो है छोटा सा स्पेस मिल जाता है, इधर अलग ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है पर हाँ फिर भी काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। वेल, उसी के साथ यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपके पास मैनुअल सीट एडजस्टमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है, आप पे डायरेक्ट लॉक अनलॉक कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर इधर आपको देखने को जो है मिल गया, 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, सर्विस कॉस्ट आपको कोई देखने को इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती। अब मैं आपको अगर बताऊं तो देखो कई लोग इसको जो नेक्सॉन से कंपेयर करते हैं उसका कंपेयर करने का कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है, ठीक है। उसी के साथ में अगर आप 1,500,000 रुपये में नेक्सॉन का बेस वेरियंट खरीद रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि उसकी रेंज आपको डेफिनेटली कम मिलने वाली, क्योंकि वो नॉर्मल रेंज वाला वेरियंट होगा, इसके अंदर कोई नॉर्मल रेंज हाई रेंज ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, LR MR वगैरह कुछ नहीं है इसमें भाई ऐसा, इसमें आपको जो है इसमें आपको एक ही बैटरी पैक देखने को मिलता है 50.3 किलोवाट आर का बैटरी पैक, जो आपको
आराम से 461 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन हाँ 425 से 445 के आसपास आपको किलोमीटर की रेंज यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाती है। चलाने के ऊपर डिपेंड करता है किसी का कैसा ड्राइविंग स्टाइल होता है, किसी का कैसा ड्राइविंग स्टाइल होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर जेडी पावर ने एमजी को नंबर वन रैंक करा था, तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। और आज तक भले एमजी एक्टर का कोई कस्टमर हो या किसी का भी कस्टमर हो, कोई भी एस्टर वगैरह का, मैंने किसी को भी दुखी नहीं देखा इस गाड़ी से। सब लोग आराम से बढ़िया खुश रहते हैं। 4 स्पीकर 2 ट्विटर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने लग जाते हैं। उसी के साथ में थोड़ा सा नेक्सॉन का साउंड सिस्टम ज़्यादा बढ़िया लग सकता है आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भाई प्रैक्टिकलिटी के मामले में देखें ना, अगर आपको गाड़ी चलानी है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे खासे किलोमीटर, मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने 1,80,000-2,00,000 किलोमीटर तक एम जी जेड एस सीवी को चला रखा है और आज तक कोई परेशानी नहीं आई उनको, तो ये वाला कॉन्फिडेंस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। बाकी भाई एक बार आपको बोनट खोल कर दिखाता हूँ कैसा कि आपको पूरा सिस्टम वहाँ से आगे देखने को मिलता है। रियर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं और सेंट्रल एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वेल उसी के साथ सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और यूएसबी पोर्ट भी आपको इधर देखने को रियर पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है। वेल ऊपर सनरूफ का नजारा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया देखने में लगता ही है। बाकी फैब्रिक सीट्स आपको मिल जाती है, 6 एयरबैग्स वगैरह तो आपको इसमें देखने को मिल ही रहे हैं, ऐसा कुछ पूरा सिस्टम है। ओके जी, तो गाड़ी अभी स्टार्ट है, लेकर चलता हूँ फटाफट से आपको यहाँ पर बोनट खोल के दिखाता हूँ। भाई एक तो सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर आपको सिर्फ एसी की नॉइज़ यहाँ पर आ रही होगी, क्योंकि एसी गाड़ी का अभी रनिंग पे है। बाकी भाई साहब आप देख सकते हो कि जो रिफाइनमेंट आपको ईवी में मिलता है भाई नेक्स्ट लेवल है, प्रीमियम से प्रीमियम गाड़ी भी आपको ये चीज़ ऑफर नहीं कर सकती है। बाकी आप यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी मोटर वगैरह आपको इधर देखने को मिल जाएगी, सब हिडन आपको देखने को मिलता है बोनट के नीचे। यहाँ पर कोई आपको ऐसा कोई फ्रंक वगैरह देखने को ज़रूर नहीं मिलता है। बाकी भाई आपको रेंज वगैरह तो मैंने आपको बताया, जैसे कि 9 घंटे में गाड़ी जो है पूरी आपकी 7.4 किलोवाट आवर के चार्जर से चार्ज हो जाएगी। बाकी अभी एसी चल रहा है गाड़ी के अंदर और बहुत ही मिनिमम नॉइज़ आपको यहाँ पर देखने मिलती है। DRLs आपको जो यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते ही। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो कर लेगा इस वीडियो को लाइक, कर देगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। बेस मॉडल से 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद 19.89 लाख रुपीज़ के अंदर एमजी जेड सीवी के अंदर आपको क्या मिल जाता है, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो मेंटल पीस मिल जाता है। वेल आपके पास यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा जो 9 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी 7.4 किलोवाट आवर के चार्जर से 0 to 100 होने की क्षमता रखता है। वेल आपके पास ऐसे कुछ प्रोजेक्टर मिल जाते हैं जो बेस मॉडल से अपन ने देखे, यहाँ पर DRLs हो गए अपने पास और इंडिकेटर आपके पास यहाँ पर मिल जाते हैं। वेल चलते हैं गाड़ी के, यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इसके ऊपर व्हील कैप एडिशनल लगता है जो टॉप मॉडल में अपन ने देखे 215/55/8/17 इंच का पूरा साइज यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। इलेक्ट्रिक बैजिंग आपको इधर मिल जाती है, ORVM पे इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, आपको ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड ऐसे को ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर पार्शियल